पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि समाचार प्लस सबसे पहले आपको सबसे तेज नतीजे दिखा रहा है। पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी अपडेट, हर एक तस्वीर सबसे पहले समाचार प्लस आप तक पहुंचा रहा है। 8 जिला परिषदों में बीजेपी आगे है, 7 जिला परिषदों में बीजेपी का बोर्ड बनता नजर आ रहा है। 12 चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। राजसमंद, सिरोही, टोंक में भी बीजेपी का ही बोर्ड बनना तय है। 6 जिला परिषदों में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। बूंदी, दौसा, जैसलमेर, कोटा में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। करौली और सवाई माधोपुर में भी कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। 1 जिला परिषद में कांग्रेस आगे है। 127 पंचायत समितियों पर बीजेपी का कब्जा है। 97 पंचायत समितियों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो ये तमाम तस्वीर अब तक निकल कर सामने आ रही है, उससे ये साफ हो रहा है कि बीजेपी बढ़त तो बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस भी हार नहीं मान रही है। कांग्रेस की जो नतीजे सामने आ रहे हैं या जो रुझान अभी तक निकल कर सामने आए हैं, कई जगहों पर कांग्रेस के फेवर में है तो कई जगहों पर भाजपा के फेवर में है। लेकिन अगर हम तुलना करें विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तो कांग्रेस, और निकाय चुनाव की भी, तो कांग्रेस पंचायत चुनाव में मजबूत, थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। तो पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर झुंझुनू की है, जहां सेठ मोतीलाल कॉलेज में काउंटिंग जारी है। दौसा और नागौर में भी काउंटिंग लगातार हो रही है। दोपहर तक सभी वार्डों के रिजल्ट आने की संभावना है। भरतपुर में वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 और टोंक में भी काउंटिंग जारी है। सिरोही में 8 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं, इनमें से 5 बीजेपी और 3 कांग्रेस को मिली है। आखिरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां 9 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग लगातार, जो गिनती है लगातार जारी है। पंचायत समितियों के 167 सदस्यों के भाग्य का फैसला आज होना है, और इन तमाम जगहों से नतीजे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर बीजेपी के फेवर में तो कई जगहों पर कांग्रेस के फेवर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश भर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मक्के बाद मतगणना लगातार जारी है, और इस वक्त आपको हम कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़, सीकर, बांसवाड़ा और चुरू की तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ की पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सुबह से मतगणना जारी है। सीकर में 9 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाएगा। और तीसरी तस्वीर बांसवाड़ा की आपके सामने है, जहां काउंटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौथी और आखिरी तस्वीर चुरू की है, जहां 7 पंचायत समितियों में से 3 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। ये तस्वीरें कुछ इस वक्त आपके सामने हैं, लेकिन अगर हम पूरे दिन भर की तस्वीर की बात करें तो लगातार मतगणना जारी है तमाम जगहों से। कई जगहों से नतीजे भी सामने आ गए हैं, लेकिन जो एक नियम है, जो रूल है कि कई दौर की काउंटिंग होती है, उसके चलते अभी कई जगहों पर नतीजे नहीं आ पाए हैं, लेकिन कई जगहों पर तस्वीर साफ हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामातों के बीच काउंटिंग लगातार जारी है। हर एक तस्वीर सबसे पहले समाचार प्लस आप तक पहुंचा रहा है। जयपुर और उसके आसपास की जगहों में क्या कुछ तस्वीर है, हमारे सहयोगी विक्रम और पीयूष हमें बता रहे हैं, लगातार सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले आपका रुख करूंगी और जानना चाहूंगी आपसे कि अब अपडेट क्या मिल रही है और ताजा जानकारी क्या है आपके पास काउंटिंग को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो पंचायत समिति से जुड़े हुए जो वोट है उनकी गिनती का काम चालू हो गया है। और विराटनगर, कोटपुतली के साथ साथ बस्सी एक सबसे बड़ी बात है कि बस्सी की जब मतपेटियां खुली तो उसमें भी कांग्रेस को बड़ा साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि अब तक 5 जो वार्ड है बस्सी में आने वाले उसके परिणाम सामने आ गए, जिसमें से 4 पे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर, जहां पर सरकार है, सरकार के प्रदेश में जो जिस जिले की बात हम कर रहे हैं वहां पर कांग्रेस बढ़त रही है। अमूमन पूरे प्रदेश की कभी बात की जाए तो वहां बीजेपी भले बढ़त बना रही हो, लेकिन राजधानी में जयपुर में अब तक जो रुझान सामने आया, अब तक जो नतीजे सामने आए, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जी,
आमतौर पर ये कहा जाता है बीजेपी के लिए पीयूष की बीजेपी शहरों की पार्टी है, लेकिन अगर हम राजधानी की बात करें तो आखिर क्या कारण लग रहा है कि बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा मैंडेट दिया था जनता ने बीजेपी को? देखिए अनामिका, फिलहाल तो ये शुरुआती नतीजे है, हालांकि अभी काफी मतपेटियां खुलना बाकी है, काफी वार्डों के परिणाम सामने आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं राजधानी जयपुर की। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण मतदाता है उनके मानसिकता में बदलाव आया, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि जो कांग्रेस है वो ग्रामीण मतदाता है, वो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार जागरूकता काफी देखी गई है, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण मतदाता है वो अपने अधिकार, जो मताधिकार का प्रयोग है वो समझने लग गया, वो विभिन्न वो मुद्दे जो कि उनके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसको ध्यान में रखकर इस बार वोट कास्ट करा है। खासतौर पर वो समस्या है जिसको लेकर पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल से लेकर अब तक वो लगातार चली आ रही है। वहीं जो पिछले 13 महीने का वसुंधरा सरकार का क्या कार्यकाल रहा, क्या वास्तविकता में ग्रामीण इलाकों में जो योजनाएं लागू की गई वो धरातल पे काम उसका शुरू हुआ, क्या आम जनता को उसका फायदा मिल पाया, ये सभी कारण रहे। इन सभी मुद्दों से जुड़ते हुए उस पर ध्यान रखते हुए इस बार वोट कास्ट किया गया, और कहीं ना कहीं जो रुझान सामने आ रहे इस बात का आकलन है कि पिछले 13 महीने वसुंधरा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या किया, क्या ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गंगा बही, या ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी उनका जो मूल रूप था वो जो धरातल तक पहुंच पाई, इन्हीं सभी को बातों को ध्यान में रखकर इस बार कास्ट किया गया, और फिलहाल जो परिणाम है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल पीयूष, वापस लौटेंगे आपके पास। विक्रम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, ताजा अपडेट क्या है आपके पास, और आप किस जगह पर अभी खड़े हुए हैं, कैसा माहौल है वहां पर? जी अनामिका, ताजा अपडेट हम लगातार बता रहे हैं, समाचार प्लस चैनल सबसे पहले अपडेट कर रहा है पूरे प्रदेश की स्थिति को, और पूरे प्रदेश की स्थिति इस वक्त हम बताना चाहेंगे कि भाजपा वैसे तो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से ये माना जा रहा था, भाजपा की तरफ से बयान आए थे कि शैक्षणिक योग्यता का अध्यादेश लागू होने के बाद कांग्रेस की आधी सफाई हो जाएगी, कांग्रेस की आधी मौत हो जाएगी, वो चीज नहीं हुई है। ये एक अलग से परिणाम आ रहे, चौंकाने वाले आ रहे हैं कि कांग्रेस ने भी हार नहीं मानी है, कई जगहों पर कांग्रेस भी आगे आई है, और सीमावर्ती इलाकों में जैसलमेर, सवाई माधोपुर, और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, और अभी भी जैसे कि राजधानी जयपुर के आसपास जहाँ पर मुख्यमंत्री है, जहाँ पर पूरा कुनबा है, सरकार है, मंत्री है, वहाँ इतने बड़े लवाजमे के बावजूद चिराग तले अंधेरा, ऐसी बात हो गई है, और यहाँ पर भी कांग्रेस की बढ़त बनाना संकेत देता है कि सचिन पायलट के जो युवा कंधों पर कांग्रेस ने एक सोच रखी, एक बोझ रखा, वो कहीं ना कहीं खरे उतरते नजर आ रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपनी जो साख थी वो खो दी थी, इस बार कांग्रेस की अस्तित्व की लड़ाई है, अपने अस्तित्व को पूरी तरह बचा पाती है, ये देर रात तक, देर शाम तक समझ में आएगा, लेकिन शुरुआत जो बता रही है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही है कि कांग्रेस भी टक्कर में है, टक्कर पूरी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसान जीत नहीं मिल सकती। जी अनामिका, लेकिन विक्रम, लगातार जो बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही थी, भले ही खुशी मनाई जा रही है बीजेपी खेमे में, अब तक जो भी तस्वीर कई जगहों से निकल कर क्लियर भी सामने आ गई है, बहुत ज्यादा खुशी मनाने का अवसर बीजेपी के पास नहीं है इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि अगर तुलना की जाए, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि अगर तुलना की जाए तो बहुत ज्यादा कुछ बीजेपी के हाथ नहीं आया पंचायत चुनाव में। जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से जीत की नाव पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, एक के बाद एक जीत करने हासिल करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था कि एक और जीत गांव की सरकार अपनी झोली में डाल ले, वही कांग्रेस ने लगातार हार झेली, उनके पास जो खोने को कुछ नहीं था लेकिन अस्तित्व पूरा बचाना था, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीत रही थी ये उम्मीदें की जा रही थी कि हाँ इस बार गांव की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सफाया कर देगी, लेकिन वो स्थिति यहाँ पर नहीं है, समीकरण कुछ अलग बन रहे हैं, और ये समीकरण, ये राजनीति है जो परिस्थितियों पर चलती है, और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है, इस बार कांग्रेस ने शायद कम बैक करने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है, कई जगहों पर कम बैक किया है, और ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी अनामिका, विक्रम ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एक कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही थी कि हमने बहुत कुछ किया है जनता के लिए और हमारे एक साल के कामों के कारण जनता पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया कर देगी, अब जो चुनाव आने वाले हैं पंचायत चुनाव को लेकर यह बात कही जा रही थी, अब तो सिर पर चुनाव है, चुनाव हो भी गए हैं, नतीजे भी आ रहे हैं धीरे धीरे, जो उनकी एक बात थी, जो एक कोशिश थी, ये कोशिश कहीं ना कहीं उनकी असफल होती नजर आई है इस पंचायत चुनाव में। वापस लौटेंगे विक्रम आपके पास, पीयूष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष आपके पास भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, अगर आप बात कर सके उनसे, उनके मन में क्या है बता सके हमें। जी
जी बिल्कुल अनामिका, इस समय हमारे साथ जो बस्सी पंचायत समिति है उसमें से जो 22 नंबर का वार्ड है वहाँ से जीते हुए प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, श्रवण मीना इनका नाम है, कांग्रेस के बैनर से जीते हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए राजधानी जयपुर में, चूंकि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन राजधानी जयपुर की बात की जाए, आप बस्सी पंचायत समिति से आते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी है, कांग्रेस पहली बार शायद बस्सी से इस वार्ड से जीती है, ऐसा लग रहा है, क्या लगता है कारण आपको? बहुत बढ़िया, सत्ता में बीजेपी है बावजूद इसके ग्रामीण मतदाताओं ने आपको चुना है, क्या कारण लगता है आपको? नहीं, गांव में हमारे बस्सी में कोई काम नहीं हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट में एक भी काम नहीं हुआ 20 साल से, पिछले 20 साल से एमएलए साहब थे जो कन्हैयालाल जी, वो बीजेपी के रहे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, इस वजह से कांग्रेस की लहर है वहाँ। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जिस पार्टी की सत्ता रहती है उसके प्रत्याशियों को चुनाव में बेनिफिट मिलता है, लेकिन चूंकि आप विपक्षी दल से, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने एक साल में कोई काम नहीं करवाया, ये सब हमारी जीतनी हुई जनता की जीत हुई है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो ग्रामीण मतदाता है इस बार काफी, जो विकास की जो बात है, चाहे पिछले गहलोत सरकार के कार्यकाल की बात की जाए या मौजूदा वसुंधरा सरकार के अब तक के जो कार्यकाल है 13 महीने, उसको गहलोत सरकार की बात की जाए तो गहलोत सरकार ने तो बहुत काम किए थे, इन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किए, ये अभी जो भामाशाह योजना है उनमें कोई भी कुछ नहीं हुआ, जो पहले जो गवर्नमेंट पेंशन देती थी वो सब बंद कर दी, किसानों को जो यूरिया खाद मिलता था वो अभी उसकी किल्लत चल रही है, इसको देखते हुए ग्रामीणों ने कांग्रेस को जो जीत मिली कुछ सीटों पे, क्या कारण मानते उस जीत का? नहीं, ये जनता की जीत हुई है और ये बीजेपी की लहर नहीं है, अब कांग्रेस की लहर चल रही है। तो साफ तौर पे हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि इनका ये कहना है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया एक साल में, जो योजनाएं चलाई गई एक दो योजनाओं का नाम भी इन्होंने लिया, जो हो गया वो हो गया, अब इनके हाथ में बस्सी के लोगों ने अपना भविष्य सौंपा है, तो ये क्या करेंगे वहां की जनता के लिए? ग्रामीण इलाका है, डेवलपमेंट से लेकर कई ऐसी बातें हैं जिनकी गुंजाइश नजर आ रही है और जरूरत है युवा हाथों को काम करते हुए इस गांव को, इस इलाके को आगे बढ़ाने की, इनका क्या उद्देश्य है आने वाले समय में? जी बिल्कुल अनामिका, मैं आप बताया चूंकि जनता ने आपको चुना है, सरकार भले भाजपा की हो लेकिन अब आप उस क्षेत्र के उस वार्ड के प्रत्याशी हैं, आप जीत गए हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जो समस्या है किस प्रकार का उसका निवारण कराएंगे, क्योंकि जनता का विश्वास आपके ऊपर है? नहीं बिल्कुल, जो भी मेरे से काम बनाएगा वो मैं सारा करूंगा उनके लिए। आपको नहीं लगता कि सत्ता बीजेपी की है, वो यदि जिला परिषद में आपका बोर्ड नहीं बन पाता, आपका जिला प्रमुख नहीं बनाता, बोर्ड तो हमारा ही बनेगा, जो आई कमान तय करेगा, कांग्रेस का ही वोट बनेगा, वहाँ कांग्रेस का ही प्रधान बनेगा, तो जो समस्या अच्छी क्षेत्र की जिसके आधार पर आपने वोट मांगे वो पूरा कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, इसी वजह से तो हम वहाँ बैठे हैं। तो अनामिका साफ तौर पे आप सुन सकते हो, भले प्रदेश में भाजपा की सरकार हो लेकिन इनको विश्वास है कि जयपुर जिला परिषद में इनका ही बोर्ड बनेगा, मतलब कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा, वो कहने की जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरे थे, जो वादे इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से किए थे वो वादे अभी पूरे करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। जी पीयूष, लेकिन हमने अब तक तस्वीर जो देखी है, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी, निकाय चुनाव की बात की जाए या उसके जो पिछले बार के निकाय चुनाव हुए थे उसकी बात की जाए, कई जगहों पर बोर्ड बीजेपी का रहा लेकिन मेयर कांग्रेस के रहे, या बोर्ड कांग्रेस का रहा मेयर बीजेपी के रहे और सत्ता में कांग्रेस उस समय थी, तो काफी चीजें ऐसी नजर आई जब परिस्थितियां ऐसी बनी कि लड़ाई झगड़े तक नौबत आ गई और बैठकें हुई लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आई। अगर इस बार खुदा ना खास्ता ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने आती है तो ये युवा हैं, ये किस तरह से कोशिश करेंगे सामंजस्य बिठाने की और जनता के काम कहीं अटके नहीं, उनको परेशानी ना हो, इसके लिए ये क्या करेंगे? बिल्कुल, हम उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि आपने जो मौजूदा उदाहरण है पिछली जयपुर नगर निगम की कभी बात की जाए तो महापौर कांग्रेस की थी लेकिन वोट बीजेपी का था, खुदा ना खास्ता कभी इस बार चुनाव परिणाम आते जयपुर जिला परिषद की बात की जाते जिला प्रमुख कांग्रेस का नहीं बन पाता लेकिन बोर्ड और जिला प्रमुख कुछ अंतर रहता, तो कैसे आप अपने जो क्षेत्र का विकास है वो करवा पाएंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के हैं लेकिन जिला प्रमुख बीजेपी का बन जाता है? नहीं तो ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा जैसे जिला प्रमुख बीजेपी का बनेगा, कांग्रेस का ही बनेगा, कांग्रेस का ही वोट बनेगा, ऐसी स्थिति में चुकी अब सरकार भी भाजपा की है, ये तो आप मानते ही, आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो काफी मुश्किल आती है अगर गवर्नमेंट जैसे हमारा वोट नहीं बनता तो हम जैसे जो भी होगा हमसे जनता के लिए जितनी बार कोशिश होगी उनके लिए काम करेंगे। काफी जो क्योंकि विपक्षी पार्टी के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि, तो ऐसे में सरकार से काम कराना आपके लिए मुश्किल काम होगा अमूमन बीजेपी प्रत्याशी के लिए? नहीं तो अभी जैसे इनके 4 साल बाद में वापस चली जाएगी तो हमारा 1 साल रहेगा, उन्हें बहुत काम कराएंगे हम, जनता सब देखती है। तो मतलब 4 साल तक आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं क्यों नहीं करेंगे, काम तो करेंगे ना, आप कह रहे हो कि बोर्ड नहीं बनेगा तो अब मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड बनेगा, हम खूब काम करवाएंगे, बोर्ड नहीं भी बनता तो आप काम कराने के लिए क्या काम ही करेंगे हम, जनता के जो भी काम होंगे जो हमसे काम बनाएगा वो सारे करेंगे उनके।
तो अनामिका आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जनता के लिए काम करेंगे, जनता से जो वादा किया वो पूरा करेंगे, भले बोर्ड इनका ना बने, जिला प्रमुख इनका ना बने। जी अनामिका बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी, थोड़ी देर में साफ हो जाएगी तस्वीर की आखिर किसका बोर्ड बन रहा है यहाँ पर। और जो बात आपके साथ प्रतिनिधि मजन प्रतिनिधि जिनको चुना है जनता ने वो मौजूद है, ये बात कह रहे हैं किसके फेवर में ये नतीजे आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए हर एक प्रत्याशी की जो जिसको जनता चुनती है कि जनता के हित कहीं पर बीच में अटके नहीं, जनता की समस्याएं समय पर उनका समाधान होता रहे, क्योंकि जनता ने बहुत उम्मीदों से इनको चुना है, युवा हाथों में जिम्मेदारी सौंपी है। वापस लौटेंगे पीयूष आपके पास, विक्रम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर जो अब तक नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, कई जगहों पर बात ऐसी है कि कांग्रेस के फेवर में बातें नजर आ रही हैं, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी के लिए खुशी मनाने की बात नजर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच चुनौतियां कई होंगी उन लोगों के सामने जो पहली बार चुनकर आ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे प्रत्याशी की बात, एक पढ़े लिखे प्रत्याशी की शर्त सामने रखी गई थी, उसके चलते कई जो एक्सपीरियंस लोग थे वो पीछे रह गए हैं। तो जो नए लोग चुनकर आ रहे हैं उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आप वहां पर देखते हैं जहां से उन्हें जनता ने चुना है? जी अनामिका, ये जो नया फैक्टर होगा इसमें देखिए प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे जो चुन के आए हैं वो आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे और जो संबंधित माध्यम है वहां तक पहुंचा पाएंगे। समस्याओं का जिस तरह से निस्तारण किया जाता है, जो जिस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है उसको आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से गांवों की सरकार होती है, जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, वो एजुकेशन से ज्यादा अनुभव से चलता है, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं वो कि इस शैक्षणिक योग्यता की वजह से इस मैदान में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए उनकी जगह जो शैक्षणिक योग्यता हासिल करके जो नए प्रत्याशी आए हैं उनको सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ऐसा भी हुआ है कि जैसे जिस व्यक्ति ने योग्यता के मापदंड पर खरा नहीं उतरा है उसने अपनी जगह अपने किसी रिश्तेदार को या अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा किया है और उनके नाम पर वोट हासिल हुए हैं, तो ऐसे समीकरण भी बन रहे हैं। तो कुल मिला के इस अध्यादेश ने काफी तस्वीर जो चेंज की है, परिवर्तन किया है इन चुनाव में, और ये परिवर्तन जब जिस तरह से ये इस गांव की सरकार बनेगी इसके कार्यप्रणाली में भी साफ नजर आएगा। जी अनामिका बिल्कुल, विक्रम वापस लौटे हैं आपके पास, बने रहिए। नीरज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, नीरज से बात करेंगे। नीरज, 295 में से 224 पर तस्वीर कुछ कुछ क्लियर निकलकर सामने आ रही है, जिनमें बीजेपी कईयों पर आगे है लेकिन कांग्रेस पीछे भले है, लेकिन चुनौती टक्कर बहुत अच्छी दे रही है कांग्रेस। तो अभी क्या ताजा जानकारी है आपके पास और जो अब तक रुझान जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, उन्होंने कहा 15% मत प्रतिशत हमारा बढ़ाया और उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी खुशी जताई, कार्यकर्ताओं की जीत बताया। साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पिछले 3 चुनावों के अंदर कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन इस जो ये ग्रामीण जो सरकार बनाने का जो ये चुनाव था इससे कमबैक कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में कर लिया है, युवा मतदाता को और अपनी ओर आकर्षित किया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जयपुर के राजस्थान कॉलेज के बाहर, जहाँ बता दूं आपको जो मतगणना की काउंटिंग का जो प्रोसेस है काफी धीरा हो चुका है और इस वक्त जो पंचायत समितियां भी जो पूरी हैं उनके अभी तक परिणाम सामने नहीं आए और इसके बाद में जिला परिषदों की भी काउंटिंग होनी है। बताया जा रहा है रात के 12 भी बज सकते हैं इस मतगणना को। यहाँ पर एक और जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक आए हुए हैं राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के बाहर जो पूरी सड़क है इस पर इनके प्रत्याशी आए हुए थे जिनको पुलिस की ओर से खदेड़ करके सामने की ओर कर दिया गया। आप देख सकते हैं मेरे एक और जो पुलिस है, पुलिस की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की जो गाड़ियां हैं लगातार यहाँ पर गश्त कर रही हैं। इसके अलावा जो लाठी लेकर के पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ मौके पर तैनात हैं। सड़क के दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा जहाँ हुजूम उमड़ रहा है लोगों का, और ये लोग वो हैं जो पोलिंग एजेंट्स हैं या फिर समर्थक हैं उन लोगों के जो कि चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो अगर हम पंचायत समिति सदस्यों की बात करें या जिला परिषद सदस्यों की बात करें। सड़क के दूसरी ओर उन लोगों का हुजूम है, उनकी गाड़ियां आ चुकी हैं और यहाँ पर JLN मार्ग राजस्थान का जाम जैसे हालात हो गए थे कुछ देर पहले, पुलिस ने लाठियां फटकार करके इनको दूर से भगा दिया और एक और कर दिया गया है।
तो सड़क के दूसरी ओर ये ग्रामीण क्षेत्र के वो जुझारू लोग हैं, वो समर्थक हैं जिन्होंने अपनी जान झोंक रखी थी इन चुनाव में अपने प्रत्याशियों को अपने समर्थकों को जिताने की मांग को लेकर के, और आज वो इस मतगणना स्थल के बाहर खड़े हैं। इन्हें भी ताज्जुब है कि अभी तक परिणाम कैसे नहीं आए, क्या कारण रहे, किस वजह से देरी हो रही है, ये लोग जानना चाहते हैं और इसीलिए शायद इसी मशक्कत के अंदर ये लोग यहाँ आ गए। इतना जोश और उत्साह है, इनसे रुका नहीं जा रहा था और अपने आप को जयपुर शहर तक ये खींच लाए। विराट नगर हो, चाहे आमेर हो, चाहे जालसू और झोटवाड़ा क्षेत्र हो, तमाम जगह से जो ये ग्रामीण जो युवा हैं ये खींचे चले आए इन मतगणना केंद्रों की ओर। लेकिन यहाँ पुलिस की व्यवस्था कर रखी है और इनको दूर रखा जा रहा है मतगणना केंद्रों से। स्थिति ये है कि रात काफी लंबी भी चल सकती है, रात को 11-12 बजे तक इससे भी देरी हो सकती है अगर जल्दी हाथ नहीं चलाए गए, अगर जल्दी मतगणना नहीं की गई। तो ये स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के बाहर। जी अनामिका, बिल्कुल नीरज वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां बुहाना पंचायत समिति के वार्ड 2 में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस की पूनम कुमारी जीती हैं, पूनम ने 798 वोटों से जीत दर्ज की है। झुंझुनू से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूनम कुमारी ने जीत दर्ज की है, पूनम कुमारी ने 798 वोटों से जीत दर्ज की है। बुहाना पंचायत समिति के वार्ड 2 में कांग्रेस की जीत हुई है, एक और जीत कांग्रेस के खाते में गई है। झुंझुनू से कांग्रेस की प्रत्याशी जीती है, पूनम कुमारी कांग्रेस प्रत्याशी, 798 वोटों से जीत दर्ज की है। और पंचायत चुनाव में समाचार प्लस का डंका बजा है इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज नतीजों के लिए जनता समाचार प्लस देख रही है, समाचार प्लस को जनता ने खूब सराहा है। सबसे तेज नतीजों के लिए लोग समाचार प्लस पर ही विश्वास कर रहे हैं और समाचार प्लस ही देख रहे हैं। जो हम लगातार आपसे वादा करते आए हैं कि हर एक तस्वीर हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, उसी के चलते हर एक तस्वीर जनता देखने के लिए समाचार प्लस पर ही विश्वास कर रही है और समाचार प्लस देख रही है। पंचायत चुनाव में भी एक बार फिर से समाचार प्लस आम जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा है। जिस तरह की बात की जा रही थी समाचार प्लस से सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे मिलेंगे, उसी का नजारा देखने को मिला। बात की जाए टोंक की, तो टोंक के अंदर हर जगह पे हर घरों के अंदर समाचार प्लस देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वहां पे भी लोग समाचार प्लस देख रहे हैं। जो विधायक टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता का निवास है, फिलहाल हमारे साथ वो भी मौजूद है। एक बीजेपी की यहाँ पे जीत हुई है, पूरी तरह से वो खुश हैं कि कह रहे हैं कि जिस तरह के नतीजे आए सबसे पहले समाचार प्लस पे मिले, उस बात को जानते हैं कैसा रहा समाचार प्लस सबसे सटीक नतीजा है और आप भी खुश हैं क्योंकि बीजेपी जीत चुकी है, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस को बधाई देना चाहता हूं कि उसने पंचायत चुनाव के नतीजों को सबसे पहले जनता के बीच में रखा। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी था कि आजादी के बाद आज तक टोंक में जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी है, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चमत्कारिक नेतृत्व है जिसके दम पर पहली बार हम जिला परिषद अपने दम पर बनाने जा रहे हैं। हमारे 16 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं, हम दूसरी बार टोंक पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी के बनाने जा रहे हैं। 25 में से 17 प्रत्याशी हमारे जीत कर आए और एक निर्विरोध जीत कर 18 प्रत्याशी हमारे जीत के आए। देखिए आप भी लगातार समाचार प्लस देखे, किस तरह की खुशी थी सुबह से नतीजा है, क्या मानते हैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे? बहुत ही खरे उतरे हैं, हम पहले समाचार प्लस देख रहे थे, ये नतीजे देख रहे थे तो हमें बहुत ही खुशी हुई। दाई जी के आए, सब लोग बधाई देने आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीदों पे बहुत ही खरा उतरा है, सटीक नतीजे ये दिखाई जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय। देखिए कुल मिला के देखा जाए तो सभी का यही कहना है कि समाचार प्लस कहीं ना कहीं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा है, जैसी उम्मीद थी उन्हीं उम्मीदों पर आया, सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले समाचार प्लस पर आया। फिलहाल बीजेपी के जो नेता हैं और विधायक हैं इस बात को लेकर ज्यादा खुश हैं कि आजादी के बाद पहली बार वो जिला प्रमुख बनाना जा रहे हैं और प्रधान की सीट जो टोंक की है उस पर भी जिला प्रमुख काबिज होगा, साथ के साथ जो पंचायत समितियां बचेंगी 5 ही उस पर प्रधान बीजेपी का बनेगा। कुल मिला के देखा जाए तो समाचार प्लस की तरह सबसे पहले जो नतीजे दिखाएगा उसी से बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी खुशी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सोहेल खान के साथ जियाउद्दीन खान, समाचार प्लस टोंक।